यूपी के चंदौली जिले से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां एक तरफ केंद्र सरकार गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जिससे गरीबों को मुख्य धारा में लाया जा सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में मनरेगा योजना गरीब जनता के लिए काफी हद तक हितकारी साबित हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हाल ही में योगी सरकार ने लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जल संचय के लिए अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की, जिससे अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब पोखरों की खुदाई और सौंदर्यीकरण का काम किया जा सके और जिससे जल संचय किया जा सके। वहीं इस पर भी भ्रष्टाचार के कई मामले देखने को मिले हैं। दरअसल पूरा मामला साहबगंज विकास खंड क्षेत्र के बनाव गांव का है और अमृत सरोवर योजना से जुड़ा हुआ है। इस योजना के तहत चयनित तालाब की खुदाई मनरेगा मजदूरों से कराई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचने पर कई प्रकार की खामियां देखने को मिली, जिसमें मास्टर रोल से लेकर मजदूरों की मौजूदगी तक में खेल चलता नजर आया। वहीं महिला मेट और तकनीकी सहायक से काम की जानकारी कि काम गाँव में सिर्फ एक साइड पर चल रहा है, जबकि कागजों में काम गाँव में तीन साइड पर चलता हुआ पाया गया। वहीं बकौल जिलाधिकारी से मनरेगा गाइडलाइन के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि जो लेबर है उनका मास्टर रोल में उपस्थित दर्ज किया जाए, जिसके मुताबिक उनका विजिट दर्ज करते हुए भुगतान किया जाएगा, वो भी बिना किसी विलंब के। इस संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई है, जांच के लिए टीम बनाई गई है, उसके बाद सत्यापन कराया जाएगा। अगर कोई अनियमितता प्राप्त होती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। मनरेगा गाइडलाइन के अंतर्गत बहुत स्पष्ट है कि जो लेबर है उसका मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज की जाएगी, तदनुसार उनका बिजनेस जनरेट करते हुए भुगतान किया जाएगा और वो भी बिना किसी विलम्ब के। इस संबंध में ये जो शिकायत प्राप्त हुई है उसके जांच के लिए टीम बनाई गई है और सभी कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रातःकाल जब लेबर आ जाती है तो एक निश्चित समय के अंतर्गत सभी का मस्टर रोल फिल होना चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर अदर ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से रैंडम आधार पर अटेंडेंस को चेक भी किया जाए। चंदौली से जनमत न्यूज़ के लिए उमेश सिंह की रिपोर्ट।